माइनॉरिटी कॉलेजेस मैंने आपको बताया था दो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं सिर्फ और सिर्फ दो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं जीएसएन सेंट मेरीफेस और चार सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं एक है माता सुंदरी कॉलेज श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स श्री गुरु नानक देव खासा और श्री गुरुदेव बहादुर खासा ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है ये ऑफ कैंपस का कॉलेज है ये ऑफ uh, कैंपस का कॉलेज है और ये भी ऑफ कैंपस का कॉलेज है गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स और एच डी भी खासा टॉपी पे रखना जीएसएन मेरी कॉलेज साउथ कैंपस का कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है ये दोनों टॉप नॉच हैं बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं इनको डेफिनेटली हमें टारगेट करना है जी एस एन मेरी जी एस एन मेरी को टारगेट करना भाई बहुत बढ़िया बहुत प्यारा कॉलेज है सेंट स्टीफन को टारगेट करना है डेफिनेटली टारगेट करना है गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स को यहाँ पे टारगेट करना है और एच डी बी को टारगेट करना है माता सुंदरी माता सुंदरी कॉलेज और गुरु नानक देव खालसा मैं नहीं रिकमेंड करूंगा माइनरिटी कॉलेज में लाइन ही करते अच्छा इनकी एक बहुत खास बात है सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी दो माइनॉरिटी होता है यहाँ पे एक स्टूडेंट का सवाल आता है सर जैनो जैन माइनॉरिटी नहीं होती या जाट माइनोरिटी जाट माइनॉरिटी नहीं होती ना जी कोई माइनॉरिटी नहीं होती या तो मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं होती यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होती ना जाट माइनॉरिटी ना जैन माइनॉरिटी ना मुस्लिम माइनॉरिटी mm. जो माइनॉरिटीज हैं माइनॉरिटी कॉलेजेस सिर्फ ये छह हैं जिसमें दो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं बाकी चार सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं इसके एविडेंट इसके साथ जैन माइनॉरिटी भी नहीं चलता जाट माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी ऐसी कोई माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के अंदर काम नहीं करती इन माइनॉरिटी कॉलेजेस 50% परसेंट ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर अनडिजर्व एंड 50% परसेंट सीट्स आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटी। बेसिकली पे मतलब है जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंट सीट होती हैं और फिफ्टी परसेंट फॉर माइनॉरिटी कॉलेजेस तो यहां पे सी बात इतनी सी है मान लो बीकॉम ऑनर्स है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स के अंदर लेट से तीन सीट्स हैं तो तीन का बाईफर्गेशन कुछ इस प्रकार से है थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ नीचे कुछ इस प्रकार से तीन सौ में से डेढ़ सीट जो होंगी वो तो होंगी अन की जनरल कैटेगरी की और बाकी डेढ़ सीट जो होंगी वो होंगी सिख माइनॉरिटी की वो सिख माइनॉरिटी के सॉरी हाँ सिख माइनॉरिटी का कालेख माइनॉरिटी के बच्चों की है अब सेंट स्टीफन कॉलेज है तो इसमें मान लो मैथमेटिक्स ऑनर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स में 200 सौ सीट्स हैं सौ सीट्स अनरिजर्व की होंगी और यहाँ पे सौ सीट होंगी वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की यहाँ पे सिख माइनॉरिटी नहीं चलेगा यहाँ पे क्रिश्चियन मायनॉरिटी चलेगा भाई जिस माइनॉरिटी का कॉलेज है उस मायनॉरिटी के स्टूडेंट्स को एडवांटेज दिया जाएगा ठीक है जी अच्छा और इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि कैंडिडेट अपलाइंग फॉर द माइनॉरिटी कैटेगरी मस्ट अपलोड द रिस्पेक्टिव माइनॉरिटी सर्टिफिकेट एट द टाइम अगर आपने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया तो आपको माइनॉरिटी ट्रीट नहीं किया जाएगा तो आपको माइनॉरिटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट रेलिवेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहां पे सिख माइनॉरिटी के लिए क्या करना है आपको दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दिख रहा है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से एक सर्टिफिकेट मंगवा लेना यार सर्टिफाइंग द माइनॉरिटी स्टेटस इन आपको आपकी अथॉरिटी कौन सी है आपकी अथॉरिटी है आपकी अथॉरिटी कौन सी है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अच्छा यहां पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी अथॉरिटी कौन सी है क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैटेगरी को क्या करना है कैप्टिज सर्टिफिकेट या चर्च मेंबरशिप सर्टिफिकेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव क्रिस्चियन माइनॉरिटी कॉलेज आपको क्या करना है आपको या तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट देना है या चर्च मेंबरशिप सर्टिफिकेट देना है आई एम श्योर ये पूरा का पूरा माइनॉरिटी कॉलेज का सीनारियो क्लियर हो गया होगा सेशन को लाइक जरूर करना यार और चैनल को सब्सक्राइब करके कर 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 रखो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए ठीक है जी